हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को बताया, आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के बारे में। बीए फर्स्ट ईयर का आप यहां पे देख सकते हो, क्लासेज आपके सामने बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का आपका इंग्लिश का, अगर आपने इंग्लिश को एज ए माइनर पेपर सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आपके माइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। ऑलरेडी इस चैनल पर 2000 से ज़्यादा वीडियोज हैं, 2000 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लगभग 2100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर पहली बार आए हो तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब ये माइनर पेपर आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपके सामने 2022 के बाद आने वाले एग्जाम्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ, जो लिटरेचर होते हैं वो किस चीज़ के मिरर है, सोसाइटी के, मैन के, एनिमल के लिए, प्लैनेट के लिए। तो जो लिटरेचर लिखे जाते हैं वो बेसिकली जो भी लिटरेचर होता है वो हमारे समाज का आईना होता है, ये समाज किस तरीके से है, समाज के बारे में बेसिकली लिटरेचर लिखे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, लैंग्वेज रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ, जो लैंग्वेज होता है वो किस चीज को रिफर करता है, पर्सन को, बुक को, कम्युनिकेशन को, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली लैंग्वेज किस चीज़ को रिफर करता है, तो वो रिफर करता है कम्युनिकेशन को, कि हम जो भी लैंग्वेज है उसका यूज किस लिए करते हैं, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ मेन डू ट्रेजेडी एंड एपिक रिप्रेजेंट, मतलब कि जो कौन से लोग हैं जो ट्रेजेडी और एपिक रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नॉर्मल गुडमैन, रिच, पुअर या फिर बिलियंस। तो जो नॉर्मल गुडमैन होते हैं वही जो है ट्रेजेडी और एपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वेयर इज आर के नारायण इमेजिनरी टाउन जो है मलगुड़ी लोकेटेड, जो आर के नारायण का जो इमेजिनरी टाउन था जो है मालगुड़ी, वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपके ऑप्शन है मैसूर स्टेट में है, कोचीन में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर मद्रास में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, कौन सा कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है इंग्लिश, नेशनल है, इंटरनेशनल है लैंग्वेज है, लर्न्ड मैन है या फिर आपका रोस्टिक है। तो इंग्लिश किस टाइप का लैंग्वेज है, तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कौन से नंबर का, फर्स्ट लार्जेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेटर कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट है या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगला क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट नंबर का, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कि मोस्ट पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रंस टू द मीडियम स्कूल इन इंडिया, किस मीडियम के स्कूल में भेजते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हमारा बच्चा बोल सके, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। तो मोस्ट पेरेंट्स कहाँ पर भेजना चाहते हैं और भेजते हैं, तो वो होता है इंग्लिश मीडियम, कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े और इंग्लिश बोलना, बात करना, समझना सीख जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास एट नंबर का क्वेश्चन कि द लैंग्वेज लैंग्वेज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द ब्रिंगिंग पीपल एट देयर क्लासेज, मतलब किस चीज से लाने के लिए, कल्चर से, फिलोसफी से, टुनाइट टॉट से या फिर एबब से, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कल्चर से उनको ब्रिंग करने के लिए ये चीज लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कि ए लैंग्वेज इज ए गुड ऑफ कंजर्वेशन, एक लैंग्वेज किस चीज का जो है बेहतर है, टूल है, सोर्स है, ऑब्जेक्ट है या नन ऑफ दीज। तो एक लैंग्वेज जो है वो एक टूल है कन्वर्सेशन का, मतलब बात करने के लिए एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है आपके पास टेंथ नंबर का क्वेश्चन कि हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि जो बुक लिखी गई किसने लिखा। आपके ऑप्शन है एम के गांधी, आर्यन टैगोर, आर के नारायण और एफ आर लेविस। तो जो गीतांजलि बुक लिखा गया, ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा और इसके लिए इनको गीतांजलि मतलब अवार्ड भी मिला था, एशिया का पहला अवार्ड जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन कि सरोजनी नायडू इज नोन एज, सरोजनी नायडू को किस रूप में जाना जाता है इंडिया के, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, प्लेवरिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस रूप में जाना जाता है जो है सरोजनी नायडू को, तो उनको जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि इन विच ईयर विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न, विलियम शेक्सपियर किस ईयर में पैदा हुए थे। आपके ऑप्शन हैं 64 में,
1964 में, 1564 में, 1558 में, 1590 में। तो शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1564 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर रोट सोनेट। विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हुए थे? 164, 154, 144, 134। तो विलियम शेक्सपियर ने कुल टोटल मिलाकर के 154 सोनेट लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके पास जॉन मिल्टन रोट द पोयम। जॉन मिल्टन ने इनमें से कौन से जो है पोयम को लिखा था? मर्सी को लिखा था, जो है साइलार्क को लिखा था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा था, या नन ऑफ द एबव। सो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक जो पोयम है ये लिखा था जॉन मिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास एंड व्हाट इज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड। किस एज में जाकर के जो है जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, अंधे हो गए थे? कौन सा एज था वो आपके ऑप्शन से? 44, 56, 88 या फिर आपका 54। तो किस एज में जाकर के मिल्टन जो है ब्लाइंड हुए थे? तो वो ब्लाइंड हुए थे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 44 की एज में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन जो है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में के लेकर के कितने बुक्स हैं आपके ऑप्शन से? 15, 16, 31, 12। तो पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक्स हैं? तो 12 बुक्स हैं। आपके ऑप्शन से 17 नंबर का सॉरी क्वेश्चन है कि व्हेन वाज विलियम वुड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वुड्सवर्थ कब पैदा हुए थे, किस ईयर में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन से 1780, 1770, 1790, 1660। तो विलियम जो वुड्सवर्थ थे वो पैदा हुए थे 1770 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 1770। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि विलियम वुड्सवर्थ इज इन ए पोएट ऑफ। जो विलियम वुड्सवर्थ थे वो किस चीज के पोएट थे? नेचर के थे, लोगों के पोएट थे, दोनों के थे या कोई नहीं? तो विलियम वुड्सवर्थ की जो आप उठा करके पोएम देखोगे तो बेसिकली नेचर से कनेक्टेड थी उनकी पोएम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नेचर। अगला क्वेश्चन है आपके पास व्हेन वाज लिरिकल वैलार्ड्स पब्लिश्ड। जो लिरिकल वेलार्ड्स थे वो कब पब्लिश किया गया? 1798 में, 1880 में, 1780 में या फिर 1940 में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1798 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके सामने दिख रहा है अगला क्वेश्चन, थॉमस हार्ली इज कॉल्ड द नोबलिस्ट ऑफ। थॉमस हार्ली को किस तरीके का नोबलिस्ट माना जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेक डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर आपका वेशेक्स रेजियन, या फिर माइनिंग कंट्रीसाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनको माना जाता है जो है वेशेक्स रेजियन का जो है नोबलिस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन, हु सेज, किसने कहा कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। आपके ऑप्शन से विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट, मैथ्यू अर्नॉल्ट या फिर थॉमस हार्डी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस हार्डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि दार हु रोट द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड नामक का जो पोयम था उसको किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है टी एस इलॉयट, जॉन मिल्टन, ए पोप या फिर पी बी शेली। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टी एस इलियट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, पी एस टी एस इलियट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन कि टी एस इलियट वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन द ईयर। टी एस इलियट को नोबल प्राइज कब दिया गया था, किस ईयर में? आपके ऑप्शन से 1948 में, 1958 में, 1658 में या फिर 1758 में? कब दिया गया था टी एस इलियट को नोबल प्राइज? तो वो मिला था इनको 1948 में नोबल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि टी एस इलियट का फुल नेम क्या है? आपके ऑप्शन है थॉमस स्ट्रीन इलियट, या फिर थॉमस स्ट्रीम्स इलियट, या फिर थॉमस स्टील इलियट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है थॉमस स्ट्रीन इलियट, ये था फुल नेम ऑफ टी एस इलियट। अगला क्वेश्चन है आपके पास हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल। बार्ड ऑफ बंगाल या फिर मतलब एक बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इनको जाना जाता था, वो कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास स्वामी विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एम के गांधी, थर्ड ऑप्शन है आर के नारायण एंड फोर्थ ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसको जो है बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन कि सरोजनी नायडू वाज बोर्न इन। सरोजनी नायडू पैदा हुई थी कब? आपके ऑप्शंस है 1889 में, 1879 में, 1779 में या फिर 1979 में?
तो सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 1879 में, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि आर के नारायण मदर टंग वाज, आर के नारायण का जो मदर टंग था यानी कि मतलब उनकी जो एक मातृभाषा या उनकी मतलब जुबान की जो भाषा थी, मदर टंग मतलब अपने पेरेंट्स से मिला हुआ था, वो हिंदी था, इंग्लिश था, तमिल था या इनमें से कोई नहीं। तो आर के नारायण जो थे उनकी जो मदर टंग था ना वो था तमिल, मतलब वो शुरुआत से बचपन से तमिल बोला करते थे, तमिल में उनकी पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन कि द फर्स्ट नोबेल ऑफ आर के नारायण वाज, आर के नारायण का पहला नोबेल कौन सा था। आपके ऑप्शन से द गाइड, द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड्स या नन ऑफ द एबव। तो इनमें से आर के नारायण का जो पहला पोएम था, पहला नोबेल था, वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन, हु रोट नोबल अनटचेबल, अनटचेबल जो नोबल था वो किसने लिखा था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुल्कराज आनंद, ऑप्शन नंबर सेकंड है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने अनटचेबल जो था वो लिखा था नोबेल को, तो वो लिखा था बुल्कराज आनंद ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन कि सुजाना अरुंधति राय इज एन ऑथर, किस कैसी ऑथर है, कहाँ की ऑथर है, इंडिया की है, ब्रिटिश की है, अमेरिकन है या इनमें से कोई नहीं। तो जो जो है सुजाना अरुंधति थी, तो ये बेसिकली आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहाँ के राइटर हैं, तो वो इंडियन राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है 31 नंबर का क्वेश्चन कि अरुंधति राय बॉर्न जो है ओन द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इन, मतलब मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कब उन्होंने जीता था, 1990 में, 1980 में, 1957 में, 1997 में। तो ये कब जीते थे, 1997 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सलमान रश्दी, सलमान रश्दी का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सर अहमद सलमान रश्दी, या फिर सर इस्मम सलमान रश्दी, या सर मोहम्मद सलमान रश्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर अहमद सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन कि सलमान रश्दी वाज बॉर्न इन 1947, 1957, 1967 या फिर 1997। तो सलमान रश्दी वाज बॉर्न इन 1957। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि बॉय हु केम टू सी मी यस्टरडे वाज माय फ्रेंड। तो वो कौन सा बॉय था, ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको मतलब वहां पे क्या लगेगा। आपको ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास द लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, नन ऑफ द एबव लगेगा। तो उसमें मतलब क्या आपको लग सकता है, तो इसका हो जाएगा द बॉय, यहां पर क्या लिखा जाएगा, द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन कि रामायण इज हॉली बुक, तो रामायण के लिए क्या लग जाएगा, द रामायण, क्योंकि जब किसी चीज को बड़ापन बताना होता है द लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन कि सी केम हेयर 9 o'clock, तो इसके साथ 9 o'clock के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा या फिर ऑन लगेगा, इन लगेगा, सिंस लगेगा, तो एट लगेगा, जब किसी टाइम एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो एट बता लिखते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन, ही गॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन पा गया, तो उसमें क्या रहेगा, इन रहेगा, एट रहेगा, ऑन रहेगा, इन टू, तो ट्रेन के अंदर पूरी तरह से चला जाना है, तो इनटू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि ऑल दिस हार्ड बुक हैज हिम, आपके ऑप्शन से टेलिंग ऑन, टेलिंग एट, टेलिंग इन, नन ऑफ द एबव। तो इन चारों में आपका जो हार्ड बुक होगा ना वो नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि इसमें दूसरी चीजें यूज की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 39 नंबर का क्वेश्चन कि गिव द करेक्ट एनोनिमस ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून का जो करेक्ट एनोनिमस होगा, उल्टा होगा, वो क्या होगा, चांस होगा, लक होगा, फेट होगा या मिस फॉर्चून होगा। तो फॉर्चून का एनोनिमस क्या हो जाएगा, मिस फॉर्चून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन कि गिव द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ अर्बन, अर्बन का करेक्ट साइनोनिमस क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्बन मीन्स भी होता है शहरी और सिटी मीन्स भी होता है शहर, तो करेक्ट साइनोनिमस सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन कि वन हु बिलीव्स इन गॉड इन नोन एज, एक व्यक्ति जो गॉड में बिलीव करता है उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन से थीस्ट कहा जाता है, पेसिमिस्ट कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट कहा जा सकता है, नन ऑफ द ईच कहा सकता है। तो जो गॉड में मानता है उनको ऑप्टिमिस्ट भी कहा जा सकता है, और आप थीस्ट भी कह सकते हो कि जो गॉड में बिलीव करता है थीस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन कि प्रेशियस राइटिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, क्या यह सही है, गलत है या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन। ए फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिप्टर। आपके ऑप्शंस है, जो एक फॉर्मल लेटर होता है इन द प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ऑल द अबव होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑल द अबव। मतलब एक अगर जो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ग्रामली भी करेक्ट होना चाहिए और रेलिवेंट भी होना चाहिए कि किस चीज के लिए लिखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44 नंबर का क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट ऑफ ऑल द फॉर्मेट लेटर। ऑल द फॉर्मेट लेटर का यूज करते हुए कौन सी राइटिंग डेट बेटर मानी जाती है, 25 जून 2022 या 25/6/2022, June 25, 2022, June 25, 2022। तो राइट फॉर्मेट क्या होता है, तो राइट फॉर्मेट होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर और पूरा एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ कि हर तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन कि द पर्पज ऑफ रेज्यूमे इज। जो रिज्यूमे बनाया जाता है वो किस लिए रिज्यूमे बनाया जाता है, जॉब पाने के लिए, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर फॉरन इंटरव्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो रिज्यूमे बनाया जाता है बेसिकली हम जब जॉब के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो उसमें अपने रिज्यूमे लेकर के जाते हैं, तो कोई टू गेट ए जॉब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन कि ए समरी प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ सीबी एक्ट। वो समरी को क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन से स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शंस हैं आपके पास कि जैसे कि प्रीफीस हो गया, साइनोप्सिस हो गया, या इनमें से कोई नहीं, तो फर्स्ट वाला ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द जो है सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्मल लेटर। सब्सक्रिप्शन को अगर आपको फॉर्मल लेटर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली, ट्रूथ ट्रूली, या फिर योर ट्रूली, या फिर यू ट्रूली, या फिर योर्स फैथफुली। तो राइट आंसर हो जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन को देना हो तो आपका ऑप्शन नंबर डी, योर्स फैथफुली। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द एडिटर्स लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड। जब एडिटर लोग लेफ्ट साइड में किस चीज को लिखते हैं, सेंडर का नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर योर्स ट्रूली लिखते हैं, या डेट और टाइम लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि किसने भेजा है वो लेटर को, तो सेंडर का नाम लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द रिज्यूमे। इनमें से किस चीज को रिज्यूमे में नहीं लिखा जाता है, एड्रेस को, एक्सपीरियंसेस को, नेशनैलिटी को, या एज को। तो रिज्यूमे में बेसिकली एज को नहीं लिखा जाता, बाकी तीनों तो कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। ओके, अगला है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन कि टू गेट हेल्प विथ राइटिंग ए प्रोफेशनल रिज्यूमे वी कैन यूज। हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, बुक्स का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, या सभी का यूज करते सकते हैं एक प्रोफेशनल रिज्यूमे लिखने के लिए। तो हम यूज कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय जो है फ्रेजेस। फ्रेजेस से आप क्या समझते हैं, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका इररिलेवेंट टू इंग्लिश ग्रामर, बी ऑप्शन है आपके पास इनकम्प्लीट सेंटेंस, सी ऑप्शन है आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड विथ डिफरेंट प्रीपोजिशन गिविंग द सेंस अदर देन लिटरेचर, या डी ऑप्शन है आपके पास सेंटेंस विदाउट एनी फाइनेट वर्ब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू बरी द हैच, हैचेट, इनको क्या कहा जा सकता है, आपके ऑप्शन से टू किंडल द फ्लेम ऑफ डिस्प्यूट, या बी ऑप्शन टू सेटल द डिस्प्यूट, या फिर टू क्वेरल, या फिर डन ऑफ द अबव। तो चुका कहा जाता है कि बरी कर दिया जाए जो भी चीजें हैं, दबा दिया जाए, उसको सेटल द डिस्प्यूट कहते हैं कि डिस्प्यूट जो भी झगड़े हैं उनको सेटल डाउन कर दिया जाए। अगला जो है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 53 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग सजेस्टेड बाय द यूज ऑफ फ्रेजेस टू डाई इन हार्नेस। आपके ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन डाई ऑन द ड्यूटी, बी ऑप्शन डाई विदाउट एनी ड्यूटी, सी ऑप्शन है डाई विथ ड्यूटी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा डाई इन हार्नेस का मतलब हो जाएगा टू डाई ऑन ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द जो है एंटोनम ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का एंटोनम क्या होगा, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रिचनेस, सेकंड ऑप्शन है आपके पास हैप्पीनेस, थर्ड है आपके पास एडवर्सिटी, एंड फोर्थ है आपके पास प्लेजर। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्सिटी को प्रॉपर जो है प्रॉपर्टी का उल्टा बताया जा सकता है एंटोनम। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन कि फास्ट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड मैग्नानिमिटी। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास लाइबिलिटी, थर्ड है आपके पास जो है कैलोसनेस, या फोर्थ है आपके पास जो है ब्रूटली।
तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीविटली का जो है साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है होमोफोन्स, होमोफोन्स से आपको क्या समझ में आता है, मतलब होमोफोन्स मतलब आप क्या समझते हैं। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास ए पेयर ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग एंड स्पेलिंग, सेकंड ए पेयर ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर साउंड्स मीनिंग एंड स्पेलिंग, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ए पेयर ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी सिमिलरिटी बिटवीन स्पेलिंग एंड साउंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास ए पेयर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सिमिलर साउंड्स बट द डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा होमोफोन्स का, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि सिमिलर साउंड आएगा बट मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द सब्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर्स डेथ, एक बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा होता है मतलब कि उसके माँ के पेट में रहते तभी बाप की मौत हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, एंटोनोमस कहेंगे या फिर आपको कहेंगे जो है पोस्ट ह्यूमोस या फिर फोस्टर चाइल्ड या फिर बास्टर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन, 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वर्ड प्रेसिस इज बोरोड फ्रॉम, वर्ड प्रेसिस जो है ये कहाँ से लिया गया, कौन से लेटर लेक्चर से मतलब या कौन से लैंग्वेज से, तो द फ्रेंच से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है या जर्मन से लिया गया है, तो ये वर्ड लिया गया है फ्रेंच से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 59 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिस राइटिंग, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सॉर्टिंग द सेंटेंस विदाउट एनी रेलिवेंस, बी ऑप्शन है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मैनी सेंटेंसेज, सी ऑप्शन है आपके पास ए ब्रीफ एंड क्लियर सेंटेंस ऑफ द एसेंशियल आइडियाज, और डी ऑप्शन है आपके पास कि स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंसिएशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश राइटिंग एंड कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जो है इनलार्जिंग द सेंटेंस अनसिस्टमेटिकली, बी ऑप्शन है आपके पास एक्सप्लेनिंग द सेंटेंस विदाउट एनी रेलिवेंस, सी ऑप्शन है आपके पास डीलिंग विद आइडियाज इम्पर्सनली, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास इट रिफर्स टू एलिबरेशन ऑफ आइडियाज इन द रेलिवेंट वे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी की है रेलिवेंट वे में जो आइडियाज है उनका एलिबरेशन करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो अनसीन पैसेजेस होते हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन का इन इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इररिलेवेंट टू इंग्लिश ग्रामर, बी ऑप्शन है आपके पास इट हेल्प्स लर्नर्स टू इनरिचिंग द वोकेबुलरी एंड इनहेंसिंग द नॉलेज ऑफ ग्रामर, सी ऑप्शन है ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट एनी यूटिलिटी या नन ऑफ द एबव। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन आउट ऑफ द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल लेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो है किस टाइप के लेटर यूज किया जा सकता है, आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें जो है फॉर्मल लेटर्स का ही यूज किया जाता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जो है एब्रिवेशन सीबी, सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके ऑप्शन से कम्युनिकेशन वेरीफाइड, कॉमन वेरीफाइड सॉरी व्हीकल्स, या फिर सी ऑप्शन है करिकुलम एंड वेट टैक्स, या फिर करिकुलम और वीटिव, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ रिज्यूमे, रिज्यूमे का रियल पर्पज क्या होता है, आपके ऑप्शन से इट इज ए प्रपोजल लेस या मतलब इट इज पर्पजलेस, या फिर इट इज द वनली फॉर एक्सपोजर, या फिर इट इंडीड द डॉक्यूमेंट यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, या इट इज वनली फॉर स्नोबेरी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यूज करने वाला एक डॉक्यूमेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन कि व्हिच रिज्यूमे फॉर्मेट इज द बेस्ट टू यूज जो है क्रोनोलॉजिकल फंक्शंस मिक्स्ड फॉर आरसीबी, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इरेलेवेंट क्वेश्चंस, या सीबी इज मेनली फॉर प्रोफेसर्स टीचर्स लॉयर्स साइंटिस्ट एंड रेलिवेंट प्रोफेशनल, नो सर्टेन सिस्टम ऑफ गुड रिज्यूमे नन ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्स्ट रिज्यूमे मिस्टेक ओवर, वर्स्ट रिज्यूमे क्या हो सकता है, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूजिंग द डिफरेंट वर्ड एंड फ्रेजेस, ऑप्शन नंबर बी यूजिंग द वेरी सिंपल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सी ऑप्शन है इररिलेवेंट क्वेश्चंस, या डी ऑप्शन है ए नेग्लेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द रॉन्ग फॉर्मेट, तो ये सबसे ज्यादा हो सकता है ऑप्शन नंबर डी।
ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है 67 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पे है कि बाय हुम वाज द नोबल गोरा रिटन। गोरा नाम का एक नोबल था, उसको किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस है यमार आनंद ने, विक्रम सेठ ने, मंजू कपूर ने या फिर आर्यन टैगोर ने। तो गोरा नामक जो नोबल लिखा गया था यह लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, नाउन प्रोनाउन, ए एन एदा और फिर जो है एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं वो तीन ही है, ए एंड और द। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन कि विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, मतलब किसी की सुपरलेटिव दिखाने हो, किसी की महानता दिखानी हो तो उसमें क्या यूज किया जाता है? ए एन द या कोई नहीं। तो जब सुपरलेटिव दिखाना होता है तो यूज करते हैं द वर्ड का। अगला क्वेश्चन है आपके पास हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉनकॉर्ड आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। आपके ऑप्शन हैविंग नो काइंड, रिलेवेंट क्वेश्चन या फिर फॉर्मल कॉनकॉर्ड एंड नेशनल कॉनकॉर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल एंड नेशनल कॉनकॉर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 71 नंबर का क्वेश्चन कि ये क्या कह रहा है आपसे कि व्हिच इज द मीनिंग ऑफ नेशनल कॉनकॉर्ड। नेशनल कॉनकॉर्ड का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन से फर्स्ट वर्ल्ड हारमोनी ऑफ पर्सन नंबर ऑफ जेंडर बेस्ड ऑन द मीनिंग एंड एज अपोज टू फॉर्मल जो है कॉनकॉर्ड के अपोज में जो यूज किया जाता है। बी ऑप्शन है आपके पास इररिलेवेंट ऑफ ग्रामर, सी ऑप्शन है एंड ऑर्गेनिक यूनिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस या डी ऑप्शन है आपके पास अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फॉर्मल कॉनकॉर्ड के अपोजिट में यूज किया जाने वाला वर्ड। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल जो है कॉनकॉर्ड। फॉर्मल कॉनकॉर्ड का मतलब क्या है? तो ये जो है आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिलेवेंट टू इंग्लिश ग्रामर, बी ऑप्शन है यूज ऑफ आर्टिकल, सी ऑप्शन है यूज ऑफ मूड या डी ऑप्शन है आपके पास वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन द फॉर्म इज कॉल्ड जो है फॉर्मल कॉनकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, बी ऑप्शन है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, सी ऑप्शन है व्हाट टाइम डज योर वॉच स्ट्राइक आउट या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो टाइम पूछने के लिए कि घड़ी में कितना टाइम हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द ट्रेन इज लेट टिल 2 आवर्स, बी ऑप्शन है ट्रेन इज लेट अप टू 2 आवर्स, सी ऑप्शन है ट्रेन इज लेट फॉर 2 आवर्स या डी ऑप्शन है आपका ट्रेन इज लेट बाई 2 आवर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन इज लेट बाई 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 75 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? व्हाट इज एन आइटम, आइटम मतलब क्या होता है? आपके फर्स्ट ऑप्शन है ए सेट ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन सेंटेंस ऑर्डर देन जो है लिटरल वन। अगला क्वेश्चन है आपके पास बी ऑप्शन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन वाइडम्स होता है या सी ऑप्शन है इट सजेस्ट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्त हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द माइनर इंग्लिश पेपर। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश को माइनर पेपर सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना था। ओके मेरे दोस्त, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 2000 से भी ज्यादा वीडियोज अपलोडेड है तो जरूर जाइए चैनल पे विजिट कीजिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।